निफ्टी 6,100 से गिर के 5,500 के आसपास आ चुका है। भले ही निफ्टी खाली 13% गिरा हो, लेकिन अगर पूरे बाजार में देखें तो काफी सारे स्टॉक्स हैं जो 30 से 50% गिर चुके हैं। तो ये जो बाउंस बैक हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ये शॉर्ट टर्म बाउंस बैक ही होना चाहिए। 5,600 का जो ऊपर का आंकड़ा है, वहां तक अगर निफ्टी वापस रिकवर करता है तो वहां पे शॉर्ट क्रिएट किया जा सकता है। 5,650 का स्टॉप लॉस रखें और हम नीचे में फिर से 5,450-470 का लेवल देख सकते हैं। जी वही बैंकिंग स्टॉक्स पर भी आपका नजर लेना चाहेंगे। आज हमने देखा है जिस तरह का मोमेंटम बैंकिंग स्पेस में देखने को मिला है। बैंक निफ्टी की पर्टिकुलर बात करें, वहाँ भी खरीदारी देखने को मिल रही है, यहाँ पर मजबूती है बैंक निफ्टी में। ओवरऑल पूरे बैंकिंग स्पेस पर आपका क्या नजर है, क्या मौजूदा स्तरों पर लगता है आपको कि बैंक बाइंग इनिशिएट करनी चाहिए या फिर जो मोमेंटम है वो आगे कंटिन्यू होता हुआ दिखाई दे सकता है? देखिए लास्ट कुछ दिनों में जो सेल ऑफ हमने देखा है उसमें काफी सारे सेक्टर्स और खास करके बैंकिंग सेक्टर में काफी स्ट्रॉन्ग सेल ऑफ आया था, इससे सभी इंडिकेटर्स ओवरसोल्ड है। तो रिलीफ रैली